हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेसिंग एन एरे की तो देखिए प्रोसेसिंग एन एरे में क्या होता है कि अगर हम ये चाहें कि कोई एक सिंगल ऑपरेशन से और पूरे एरे में कोई ऑपरेशन हो जाए या कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो दैट इज़ नॉट परमिटेड एज़ फार एज सी लैंग्वेज इज़ कंसर्न सी लैंग्वेज में आप एक सिंगल ऑपरेशन से और पूरी एरे पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए ये नहीं हो सकता है मतलब क्या हुआ कि पहले हम ये आज का टॉपिक लिख लेते हैं प्रोसेसिंग एंड एरे प्रोसेसिंग एंड एरे अब इसमें हमने कहा कि मान लीजिए अगर ए और बी दो सिमिलर एरे हैं इफ ए एंड बी आर टू सिमिलर एरे सिमिलर एरे का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एरेस साइज में डेटा टाइप में और डायमेंशन में ठीक है एकदम सेम है मतलब इनका साइज़ भी सेम है जैसे हमने कहा मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में टेन है तो बी में भी टेन है डेटा टाइप मान लीजिए हमने कहा ए में इंटीजर डेटा टाइप है तो बी में भी इंटीजर डेटा टाइप है और डायमेंशन में हमने कहा कि मान लीजिए ए जो है सिंगल डायमेंशनल एरे है तो बी भी सिंगल डायमेंशनल एरे ही है तो अगर ए और बी सिमिलर एरे हैं तो इनमें क्या होगा कि इनमें असाइनमेंट ऑपरेशन ठीक है कंपरिजन ऑपरेशन एक्सेट्रा ये सब जो परफॉर्म होंगे वो परफॉर्म होंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट बेसिस पे मतलब जो भी असाइनमेंट आपको करना है या जो भी कंपरिजन करना है तो ऐसा नहीं कि पूरी एरे को एक साथ दूसरी एरे से कंपेयर कर देगा वो एरे के पहले एलिमेंट को दूसरे एरे के पहले एलिमेंट से कंपेयर करेगा सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट को दूसरे के सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर करेगा यानी जो भी ऑपरेशन होगा वो एलिमेंट बाय एलिमेंट बेसिस पे ही होगा और जनरली ये जो ऑपरेशन होते हैं इस तरह के एरे में वो एक किए जाते हैं विद इन ए लूप वेयर ईच पास थ्रू द लूप इज यूज टू प्रोसेस वन एरे एलिमेंट मतलब लूप जब एक बार चलता है तो एक एरे एलिमेंट जो है वो पास होता है ठीक है प्रोसेस होता है द नंबर ऑफ पासिस थ्रू द लूप विल देअर फोर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एन एरे तो इसलिए कितनी बार लूप चलेगा उत, उतनी बार लूप चलता है जितने ही जो एरे का साइज़ होता है या एरे में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं ठीक अब ये जो हमने आपको समझाया इसी थ्योरी को हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं मान लीजिए हमने आपसे कहा कि राइट ए सी प्रोग्राम ठीक है च कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ एन फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटीज एंड वी हैव टू कैलकुलेट दियर एवरेज ठीक है हमें सिंपली ये प्रोग्राम करना है राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ़ ए लिस्ट ऑफ एन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी हमारे पास एन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं और उसका हमें एवरेज निकालना है ठीक तो देखिए इस क्वेश्चन इसको करने के लिए और इसमें एक चीज और भी आप कर सकते हैं कि इन एडिशन टू सिंपली कैलकुलेटिंग द एवरेज We will also compute the deviation of each numerical quantity about their about the average. In addition of this, in addition of this, we have to calculate the deviation of. फ्रॉम द एवरेज जो एवरेज निकाला है उससे हमें डेविएशन भी निकालना है हर एक नंबर का कि एवरेज वो नंबर एवरेज से उसमें कितना डिफरेंस है ठीक है अब इसमें यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कि ये हमने एन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखा है ठीक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एन को हंड्रेड भी ले सकते हैं जो भी ले सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है तो हम जो इसको सोलूशन करते हैं उसमें हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक लिस्ट है उसको हम एरे मानते हैं कि कोई हमारे पास एक एरे है किस नाम से लिस्ट के नाम से ठीक है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं हंड्रेड एलिमेंट्स हैं हंड्रेड एलिमेंट्स है और ये सिंगल डायमेंशनल एरे है सिंगल डायमेंशनल एरे ठीक है अब हमें क्या करना है इनके एलिमेंट्स का एवरेज निकालना है और हर एक एलिमेंट्स का एवरेज से कितना डेविएशन है वो निकालना है ठीक तो अब इसको प्रोग्राम अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने कमेंट लाइन दे दिया प्रोग्राम को समझने के लिए तो हमने लिखा कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एन नंबर्स कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एन नंबर्स ठीक है और उसके बाद देन कंप्यूट द डेविएशन ऑफ ईच नंबर About the average. About the एवरेज ये कमेंट लाइन हमने लिख दी ताकि ये पता चल जाए कि प्रोग्राम किस चीज का है या प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है अब इसके बाद हमने क्या किया हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की तो हमने लिखा इंक्लूड ठीक है एस टी डी आई ओ डॉट एच ये इंक्लूड किया हमने इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ ठीक है यहाँ हमने डिक्लेयर किया इंटीजर एन और एक दूसरा इंटीजर डिक्लेयर किया काउंट ये दो वेरेबल यहाँ डिक्लेयर किए और कुछ फ्लोट वेरेबल हम डिक्लेयर करते हैं फ्लोट यहाँ पे लिखा एवरेज कॉमा डेविएशन के लिए डी और सम हमने लिख दिया सम इक्वल टू ज़ीरो वेरेबल हमने डिक्लेयर कर दिए मेन के अंदर अब इसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एक वैल्यू रीड करेंगे एन के लिए तो पहले आपको एरे भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना तो मान लीजिए आपने हंड्रेड एलिमेंट्स की एरे डिफाइन की तो आपने लिखा फ्लोट यहां पे एरे का नाम दिया लिस्ट और इसमें हमने डिफाइन कर दिया कि साहब हंड्रेड एलिमेंट्स है ठीक है इस तरह अब हमें क्या करना है हमें रीड ए वैल्यू फॉर एन यहाँ हमने लिखा रीड ए वैल्यू फॉर एन सॉरी ठीक है अब क्या होगा कि प्रिंट एफ करेंगे प्रिंट एफ और यहाँ हमने लिखा कि हाउ मैनी नंबर्स विल बी एवरेज या स्लेशन कर दिया हमने नेक्स्ट लाइन में ताकि ये लिखा हुआ है हाउ मैनी नंबर्स विल बी averaged. ठीक है कि हमें कितने नंबर जो है वो एवरेज उनका निकालना है हमको ठीक है ये कोर्ड्स लगा दिया हमने और ये प्रिंट स्टेटमेंट बंद हो गया फिर हमने क्या किया स्कैन एफ किया परसेंटेज डी कोर्स क्लोज्ड एम परसेंट एन तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये जो है एन नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है फिर चूंकि नेक्स्ट लाइन में हमें जाना है तो हमने प्रिंट स्लैश स्लैशन दे दिया नेक्स्ट लाइन में आ गए अब यहाँ पे क्या होगा कि रीड द नंबर्स एंड कैलकुलेट दियर सम मतलब कि जो हमारे पास सौ की लिस्ट है उसमें से कितने नंबर का हमें एवरेज निकालना है एन मतलब एन नंबर का एन में जो भी हम दें पाँच इंटर करें तो पाँच नंबरों का आ जाएगा दस इंटर करेंगे दस का सम आ जाएगा एवरेज आ जाएगा बीस एंटर करेंगे बीस का सम और एवरेज आ जाएगा ठीक है अब इसके बाद हम क्या करते हैं हमने कहा कि रीड द नंबर्स एंड कैलकुलेट दियर सम तो अब हमने यहां पे फिर कमेंट लाइन में लिख दिया रीड द नंबर्स एंड कैलकुलेट दियर सम नंबर को नंबरों को रीड करो कहाँ से वो एरे जो दी हुई है वहाँ से और उनका सम कर दीजिए तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमने कहा फॉर एक वेरिएबल लिया हमने काउंट इक्वल टू जीरो से और कहाँ तक काउंट इज लेस देन एन तक लेस देन एन तक इसलिए कि अगर वन से शुरू करते तो एन तक जाएगा लेकिन चूंकि एरे में जीरो से इंडेक्सिंग होती है तो जीरो से एन माइनस वन तक तो एन एलिमेंट्स आ जाएंगे और फिर यहां हम करेंगे प्लस प्लस काउंट ठीक है अब फॉर स्टेटमेंट की बॉडी यहां से शुरू हुई यहां हमने लिख दिया प्रिंट यहां हमने लिखा आई इक्वल टू आई इक्वल टू परसेंटेज डी फिर हमने लिखा एक्स इक्वल टू परसेंटेज अच्छा यहाँ पे हमने लिखा आई इक्वल टू परसेंटेज जी फिर हमने लिखा एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल टू के बाद हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम कोर्स क्लोज कर देंगे ठीक फिर कॉमा लगाया हमने और यहाँ पे क्या आ जाएगा काउंट प्लस वन ठीक है ये आ जाएगा काउंट प्लस वन ये हो जाएगा आपका प्रिंट स्टेटमेंट फिर स्कैन एफ में क्या करेंगे तो स्कैन एफ में यहां हमने लिखा परसेंटेज एफ कॉमा एम परसेंट लिस्ट और काउंट ठीक है और सम को सम प्लस लिस्ट कर दिया तो हमने लिखा सम प्लस इक्वल टू लिस्ट काउंट ठीक है ये हो गया फॉर स्टेटमेंट ये जीरो से लेकर एन माइनस वन तक सारे नंबरों को उठाएगा और यहां पे सम कर देगा अब क्या होगा कि कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एवरेज तो अब हमें क्या करना है यहां हमने लिखा कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एवरेज ठीक है इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम यहां पे लिख देंगे एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा सम डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई एन ये एवरेज आ गया इसको डिस्प्ले करा देंगे तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यहाँ पे यहां में लिखा प्रिंट स्लैश एन द एवरेज इज द एवरेज इज ये हो गया परसेंटेज फाइव पॉइंट टू एफ फिर हमने कहा स्लैश एन स्लैश एन और कोर्ट्स क्लोज कॉमा एवरेज ठीक है तो इससे क्या होगा एवरेज डिस्प्ले हो जाएगा अब डेविएशन कैलकुलेट करना है तो फिर हमने यहाँ पे लिया कैलकुलेट एंड डिस्प्ले डिस्प्ले द डेविएशन अबाउट द एवरेज द डेविएशन अबाउट द एवरेज एवरेज से कितना डेविएशन है उस नंबर का तो फिर हम लूप चलाएंगे फॉर काउंट इक्वल टू ज़ीरो से और काउंट इज़ लेस देन एन तक और फिर हमने लिखा प्लस प्लस काउंट ठीक और फॉर के अंदर क्या होगा फॉर के अंदर ये होगा कि डेविएशन इक्वल टू हमने लिखा लिस्ट काउंट यानी लिस्ट से जो नंबर हमने पिक किया है वो और उसमें से माइनस कर दिया हमने एवरेज तो हमें डेविएशन पता चल जाएगा इसको फिर हम प्रिंट कर देंगे तो हमने कहा प्रिंट एफ परसेंटेज आई इक्वल टू हो गया आपका परसेंटेज डी एक्स इक्वल टू हो गया फाइव पॉइंट टू परसेंटेज एफ और डी इक्वल टू हो गया फाइव पॉइंट टू परसेंटेज एफ स्लैश एन अब आई की जगह पे ये हम लिखेंगे काउंट प्लस वन फिर एक्स की जगह पे हम लिखेंगे लिस्ट काउंट ठीक है और डी की जगह पे डी आ जाएगा और इसको हम क्लोज कर देंगे फॉर की बॉडी को और फिर ये मेन की बॉडी यहां बंद हो जाएगी ठीक तो इस तरह से इस प्रोग्राम को हम लिखेंगे अब इसमें देखिए एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि दैट द सेकेंड स्कैन एफ फंक्शन विद इन द फर्स्ट फॉर फॉर्लू इंक्लूड्स एन एमपर्सेंट इन फ्रंट ऑफ लिस्ट काउंट सिंस वी आर एंट्रिंग ए सिंगल एरे एलिमेंट राधर देन एन एंटायर अरे यहां पे आप देखिए जो पहले फॉर लूप में हमने स्कैन एफ यूज किया है ठीक है यहां पे आइए यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम यहाँ पे ये अब यहाँ पे आप देखिए जो पहले फॉर लूप में हमने स्कैन एफ यूज किया है कहाँ पे यूज किया हमने ये आया प्रिंट ये ये जो स्कैन एफ यूज किया यहाँ पे हमने ये परसेंट साइन यूज किया है परसेंट साइन का मतलब क्या हुआ कि हम वो करेक्टर जो एरे का जो एलिमेंट है वो हम कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं और लगे हाथ ये यहाँ पे उसको जोड़ दे रहा है तो इसलिए यहाँ पे ये एम परसेंट साइन यूज़ किया गया है पहले से हमारे पास एरे स्टोर नहीं है हम यहाँ पे एरे स्टोर भी कर रहे हैं और लगे हाथ ये काम भी हो रहा है ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक अब इसमें क्या है कि नाउ सपोज द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड यूजिंग द फाइव न्यूमेरिकल क्वांटिटीज अब हमने कहा कि इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट कराते हैं ठीक है तो हमने कहा कि लेट

x2 में माइनस टू है x3 में टेल्व है ये सब x4 में 4.4 है और x5 में 3.5 है मान लीजिए ये वैल्यूज हमने एंटर किया और ये आपका इसमें एरे में लिस्ट में स्टोर भी हो गई हैं ठीक है तो अब जो आउटपुट आएगा जैसे हमने प्रोग्राम बनाया है तो देखिए आउटपुट इस तरह आएगा हम ये इसलिए जो स्क्रीन पे आउटपुट आएगा वो हम आपको ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं सबसे पहला तो प्रिंट स्टेटमेंट में ये है कि ये लिखा हुआ आएगा हाउ मैनी नंबर्स विल बी एवरेज हाउ मैनी नंबर्स विल बी एवरेस्ड ठीक है अब इसके आगे हमने एंटर कर दिया से फाइव ये हम एंटर करेंगे ठीक अब क्या होगा फिर अगला जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें देखिए कैसे आएगा आई इक्वल टू आ जाएगा वन एक्स इक्वल टू आ जाएगा थ्री फिर आई इक्वल टू आएगा टू एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा मतलब ये हम एंटर करेंगे फिर ये वैल्यूज जो है ये हम एंटर करते जा रहे हैं कीबोर्ड से फिर हमने कहा थ्री एक्स को हमने एंटर किया ट्वेल्व चलिए यहीं पर देख लीजिए फिर हमने कहा आई इक्वल टू फोर एक्स को हमने एंटर किया फोर पॉइंट फोर देखिये जहां ये हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं इसको समझ जाइए कि ये वैल्यूज जो है कीबोर्ड से एंटर की गई है और फिर आई इक्वल टू फाइव और यहाँ पे हमने एंटर किया एक्स इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव ठीक अब क्या होगा कि ये वैल्यूज एंटर भी हो जाएंगी और लगे हाथ इनका जब वो सम कैलकुलेट करके एवरेज निकालेगा ठीक है तो लगे हाथ वो इसका एवरेज भी दे देगा तो एवरेज क्या आएगा प्रिंट वाली लाइन देखिए लिखा हुआ आएगा द एवरेज इज द एवरेज इज 4.18 ये कैलकुलेट करके एवरेज दे देगा फिर जब हमें डेविएशन डिस्प्ले करना है तो क्या कैसे लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे आई इक्वल टू वन एक्स इक्ल टू थ्री पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो डी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वन पॉइंट वन एट फिर आई इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू माइनस का टू पॉइंट जीरो ज़ीरो डी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का सिक्स पॉइंट वन एट सिमिलरली आई इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू हो गया आपका ट्वेल्व पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो डी इक्वल टू आएगा सेवन पॉइंट एट टू सिमिलरली आई इक्ल टू फोर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर पॉइंट फोर जीरो डी इक्वल टू लिखा हुआ आएगा ज़ीरो पॉइंट टू टू और लास्ट आएगा आपका आई इक्ल टू फाइव एक्स इक्ल टू थ्री पॉइंट फाइव ज़ीरो और डी आ जाएगा माइनस का ज़ीरो पॉइंट सिक्स एट तो देखिए हमने टेस्ट डाटा जो लिया था पांच, उसके लिए इस प्रोग्राम को जो आप एग्जीक्यूट कराएँगे तो इसी तरह से आपको आउटपुट मिलेगा जो हमने ये ग्रीन कलर्स में दिखाए हुए हैं सारे आउटपुट तो हमने इसलिए आपको डाटा भी दे दिया है आउटपुट भी दे दिया रिजल्ट भी दे दिया कि आप चाहें तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के आप इसकी करेक्टनेस एज वेल एज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अब इसमें क्या है कि देखिए अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आपको ध्यान रखनी है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ देखिए यहाँ पे हम नोट करके लिख देते हैं ऐसे समझ लीजिए इन सम्प्लीकेशन इट मे बी डिजायरेबल टू असाइन इनिशियल वैल्यूज टू द एलिमेंट ऑफ एन एरे मतलब कुछ एप्लीकेशन में ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पे तो हमने एरे की वैल्यू जो है की बोर्ड से एंट्री किया हुआ है जैसे प्रोग्राम रन करा उसके साथ साथ कुछ जगह ऐसा होगा कि एरे की वैल्यू पहले से हमें इनिशियल वैल्यू देनी रहेगी एरे को तो उसमें क्या होगा कि दैट रिक्वायर द एरे आइदर बी डिफाइंड ग्लोबली और लोकली विद इन द फंक्शन एज ए स्टैटिक एरे तो उस केस में जब आपको एरे को एरे की इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी देनी है तो आपको या तो एरे को ग्लोबली डिक्लेयर करना होगा या फिर उसको लोकली डिक्लेयर करेंगे तो एज ए स्टैटिक एरे डिक्लेयर करना होगा ठीक तो इस पे बेस्ड जो है इसी इसी क्वेश्चन को जैसे इस हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया है इसी क्वेश्चन को हम लोग ग्लोबली एरे या अगर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूज इस एरे को स्टैटिक एरे बना के कैसे करेंगे ये हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके थैंक यू